तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपके पास एडजॉइंट ए के होल ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो इसका मतलब हमारे पास एडजॉइंट ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज का डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। सो जीरो मतलब इसका आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स, आंसर सी बार आ जाएगा।